श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री प्रणाम गुरु जी। बोलो बेटा जी, मेरी कल आपसे बात हुई थी आपके लाइव सेशन में। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ, इंग्लैंड में रहता हूँ। मेरी बात हुई थी कल आपसे। चढ़ावा किया था आपने? जी मैंने किया, मैंने कल ही कर दिया था। कितना किए थे? और रसीद आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी, उसकी रसीद भी। कितना किए थे? जी मैंने 5,100 किया था। नालायक इंसान, 5,100 में क्या करवाओगे? अच्छा नहीं, मेरे को क्योंकि गुरुजी वो जब आपका मैंने जो यूट्यूब पे वीडियो देखा ना, उसमें लिंक था, तो वो जब लिंक को दबाया तो उसमें लिखा था कि 5100 नॉर्मल चढ़ावा ऐसे करके, तभी मैंने 5100 किया। अगर मेरे को नहीं पता होता तो व्हाट्सएप पे तुमको एक मैसेज गया होगा, आउट ऑफ हाँ कंट्री जी अलग है, जी ठीक है, व्हाट्सएप पे गया होगा, आउट ऑफ कंट्री का अलग है मेटलाइज। जी 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 गुरु जी हाँ तो आपको उससे देखना चाहिए ना, इंडिया वालों के लिए 11,000 रुपए जी ठीक ठीक है गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। है ना। ठीक ठीक जी। नहीं मैंने वो YouTube पे वीडियो पे देख करके मैंने वो किया, इसलिए मेरे को नहीं पता था, उसके लिए माफी चाहूंगा। चलो ठीक है, अभी डाल देना, 5 डाले हो तो 20 और डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, जी जी ठीक है चलो नींबू ले लो, नींबू ले लो। जी। एक मिनट, मैं अब भी दरअसल बस जस्ट काम से घर पहुंचा। सभी लोग YouTube पे जितने लोग देख रहे हैं कंटिन्यू देखते जाएं, और जिसको जिसको WhatsApp पे सेंड कर दिया गया है वो जूम ज्वाइन कर सकते हैं, पर एक एक करके बात करूंगा मैं सबसे। नहीं चलो बेटा। जी गुरु ले लिया गुरु जी। कहां से बोल रहे हो? जी मैं गर्नसी चैनल आइलैंड यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से। यूनाइटेड किंगडम जी। नाम क्या बेटा तुम्हारा? राहुल शर्मा। माता पिता का? पिताजी का नाम श्री सतीश शर्मा, माताजी का नाम श्रीमती कल्पना शर्मा। ये इंडिया कहां से हो? इंडिया में दुर्ग छत्तीसगढ़। नींबू सर पे रखो। चलिए भैया गति बढ़ाइए, इसके पास जाइए, हम जाइए भैया, बम बम ढूंढा। क्षेत्रपाल जी वही से अपडेट हो जाओ। हम जिस एरिया में हो रास्ते से राइट साइड में जगह आता है वो जहां पे हो? जी जी बिल्कुल मेन रोड पे ही। मेन रोड पे ये एक छोटा गेट दिखाई दे रहा, ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ जी बिल्कुल छोटा सा गेट है जी, ब्लैक कलर का जी। सारे रिपोर्ट निकालिए भैया इसके। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में तुम्हारे माँ बाप है जी, उनके पूर्व पुरखे लोग यहाँ बसे हुए हैं। अच्छा हाँ जी, मेरे मेरी जो दादी जी थी उनकी बहन, मतलब मेरे पापा जी की मौसी, वो यहाँ लंदन में, प्रॉपर लंदन में थी जी। हमारे वो हमारी दादी लगती हैं, दादी दादाजी दोनों यहीं पे ही थे, उनके सब बच्चे सब यहीं पे ही हैं। मरे उधर गांव की बात कर रहा हूँ जी, छत्तीसगढ़ में तो है, हमारे पापा ही के छोटे भाई हैं, हमारे पापा सब, हमारा घर सबका वही है। मैं बोला बसे हुए, कहीं और से आए थे तुम लोग?
हम लोग हैं तो जयपुर के। वही तो बता रहा हूँ, दिग्राज बता रहा हूँ तुम्हें। जी बिल्कुल गुरु जी। अरे यहाँ चश्मा लगाया हूँ तो डबल दिखता है ना, नहीं सही बात है जी। चश्मा लगाया हूँ तो डबल दिखता है। बेटा तुम्हारे इधर थोड़ा सा है दिक्कत है, वो दिक्कत में अभी काट रहा हूँ और पितरों को पहले खोल देता हूँ मैं, ठीक है। जी गुरु जी। हे माते मातेश्वरी, इनके राहुल के यहाँ सारे पितर और देवियों को बंधन से मुक्त करे माते। अब आकाश पताल अग्नि वायु जल पृथ्वी के माध्यम से सभी बंधन काट दिया जाए। हम दादी तुम्हारी बहुत बुढ़ी होके मरी थी। जी, 97 97 वर्ष में। हाइट कम थी। जी रो रही है, क्या करूं उसका। नहीं नहीं आप बस जल्दी यही कह करो। दीजिए गुरु जी कि हम सब पे अपने आशीर्वाद बनाए और जहां हैं अच्छे से रहें, खुशी से रहें और हम सब पे अपना अच्छा आशीर्वाद बनाए रखें। तुम्हारे कुलदेवियों के बारे में पता है। अरे जी सती माता। सती माता काली रूप में है जी वो और भी का, राजस्थान में। हाँ सती माता काली रूप में है और उसके बाद तुम्हारी जो है कुलदेवी दूसरी है शीतला। शीतला माता। जी हम लोग शीतलाष्टमी करते हैं हर बार। ये सब फ्री हो गया, अभी अनुभव करो, जाओ इसे आशीर्वाद दो, जाइए आप सब आशीर्वाद दीजिए। हम जितने भी है काले कचरे दिख रहे हैं उसे उठाइए भैया, बाहर की रिंगल में लेके आइए। हाँ काट दीजिए उसे। हाँ सारी शरीर फ्री कर दीजिए, खेच ले जाए सारे तंत्र। हम जाइए वीरभद्र जी उठाइए। सुस्ती शरीर में सुस्ता कमजोर बनाने वाली शक्तियों को खींच लीजिए उसे, शरीर से माइंड खाली कर दीजिए उसका, माइंड पूरा फ्री करिए। हम कैसा लग रहा है बेटा, चेक करो टेम्पो उठाओ। सही नींबू पकड़े ही रहो हाथ में ना गुरु जी। खड़े हो गए, देखो शरीर पूरा फ्री हो गया तुम्हारा। जी पहले से बहुत हल्का लग रहा है गुरु जी। अभी तुम्हारे शरीर में आग लगा रहा हूं मैं और हल्का लग। अरे ऊर्जा रूपी आग के बाबा जल्दी वैसा नहीं नहीं बिल्कुल गुरु जी नहीं। जा रहे ना, इसे बॉडी में जाओ मेरे दृष्टि से देख, सारे कचरों को जला के खाक कर दे जा। हम चलो जलाओ, देख माइंड तेरा पूरा हल्का हो रहा है, ऐसा लगता है शरीर सुस्त हो बिल्कुल हल्का लग रहा है गुरु जी बिल्कुल। चल फ्री हो गया तो।
उस निब्बू का उतारा करना, ओम श्री शमशान काल का नमः करके उतारा करना जी जी 7 बार ऐसे ऊपर से नीचे तक घुमाओ क्लॉकवाइज जी, राइट से लेफ्ट जाएगा जी। ये कितनी बार गुरुजी? 7 बार 10 बार? 7 बार, 7 बार, कोई भी 7 बार होता है। ओम श्री शमशान कालिकाए नमः बोल के जी गुरुजी। और उसके बाद फिर नींबू का क्या करूं गुरुजी? उतारा तो करो जी। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी बल्लभं। चलो बेटा इसे 4 टुकड़ा करो, घर से बाहर निकल के 4 टुकड़ा करके रास्ते में डाल देना जी, और बाकी के पैसे डाल देना। तो मैं एक लिस्ट भेजूंगा, कुलदेवी का कैसे सम्मान करना है, पितर का कैसे करना है, उस चार्ट में सब लिखा हुआ है। और ये पूर्णिमा से तुम अपने कुल देवियों को सम्मान दो, एक शीतला माता और एक आदिशक्ति जी। ठीक है, आदिशक्ति परमेश्वरी बोलोगे तो भी चलेगा, काली रूप वाली है। और शीतला माता को नारियल वगैरह देना होता है, लिस्ट में है लिखा। पूर्णिमा के टाइम पे तुम्हारे पितर के नाम पे क्या करना है वो सब उसके अंदर लिखा है, वो सिर्फ लिस्ट भेज दूंगा तो समझ जाओ जी। पर गुरु जी एक चीज पूछनी थी, जैसे यहाँ पे एक भी हमारे भगवान हिंदुओं का मंदिर नहीं है यहाँ पे, तो उसे क्या करना है? तुझे देना है घर में ही नारियल दो तोड़ देना, उधरी अगरबत्ती चढ़ा देना है ना जी, उधरी तो उस नारियल को प्रसाद में रख लेना, खा लेना जी गुरु जी। हाँ, और वो सब दिया है पितरों के लिए, तुम बाहर जो एकांतवास में गार्डन वगैरह हो गया वहां दीपक वगैरह जलाना, मैं बताऊंगा लिस्ट बता दूंगा मैं तुम्हें जी गुरु जी। जी ठीक है जी, गरीब आदमी हो बेटा, पैसे डाल देना। नहीं गुरु जी ऐसी गलत बात नहीं, मैं बिल्कुल डाल दूंगा, मैं कल ही पैसे डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा पूरे बराबर 20,000। भरोसा है इसलिए तो कर दिए ना। नहीं नहीं गुरु जी ऐसे तुम्हारे, नहीं, आपसे एक और आपसे दीक्षा चाहिए गुरु जी, आपसे शिष्य बनना है, गलत थोड़ी होगा। अभी देख लक्ष्मी प्रदान करवा रहा हूँ तुझे, तरक्की तरक्की पे जाएगा, एक शक्ति भेजने दे, जाओ माते। चल बेटा अब कोई भी काम में अड़चने नहीं आएंगी। जी जी गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी जी गुरु जी, अब सब सही होगा। ठीक है जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु जी, प्रणाम, खुश रहो, जय माता, जय माता दी।